भाई मस्त चीज है यार, महंगी बहुत है लेकिन। तो ये है इंस्टा 360x3 कैमरा, पॉकेट एक्शन कैमरा, वो भी 360 में। अब ये ना मैंने अमेज़न ही सेल में मंगाया था, एक हफ्ता तो पैक ही पड़ा रहा, अभी दो तीन दिन से मैं यूज कर रहा हूँ। फाइनली मुझे लगा अब इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। पहले बॉक्स कंटेंट्स देख ले जल्दी से। खोल ले, ये कैमरा है, इसको रखता हूँ मैं साइड में। इस बॉक्स के अंदर एक USB-C की केबल, एक इंस्टा 360 का पाउच, एक ये लेंस क्लीनिंग का क्लॉथ और कुछ यूजर डॉक्यूमेंटेशन, एक ये स्टीकर भी निकला है, चाहिए वो तो लगा लेना। इसके अलावा एक ये सेल्फी स्टिक है, ये बॉक्स में नहीं निकलती, मैंने अलग से मंगाई है, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। तो ये है कैमरे की फर्स्ट लुक, यहाँ पे एक लेंस, दूसरी तरफ भी लेंस, यहाँ पे इंस्टा 360x3 की ब्रांडिंग है, बड़ी सी 2.8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है। ये दोनों ना 1/2 इंच ईच के सेंसर्स हैं, एंड यहाँ से एंड यहाँ दोनों तरफ से ही पूरी की पूरी सेपरेट फुटेजेस रिकॉर्ड होती हैं, एंड इवेंचुअली ये ना पूरी स्टेज हो जाती है, तो एक 360 का पूरा एक स्फीयर बन जाता है, एंड शूट के बाद हम पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर अपने हिसाब से रीफ्रेम कर सकते हैं कि भाई सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, अब हमको जो पार्ट चाहिए, जिस एंगल का चाहिए, सिर्फ वो उठा के अपनी वीडियो में लगा लो। अभी भी नहीं समझे, एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो भाई बारिश हो रही है, मैंने इस कैमरा को ना वाटर टेस्टिंग के लिए भी ले आया हूं, और थोड़ा सा ऐसे ऑडियो वगैरह भी चेक हो जाएगी, थोड़ी क्वालिटी भी चेक हो जाएगी, और ऐसा लग रहा है कोई ड्रोन हवर कर रहा है मेरे को कैप्चर करने के लिए। एंड जो अभी क्वालिटी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है ना, ये हो रही है 4K 60fps पे। अब ये जो फुटेज आपको दिख रही है ना, इसमें मैं आपको देख तो रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे एडिटिंग का खेल दिखाता हूँ। तो अब देख लो मेरे ऊपर का आसमान, अब नीचे देख लो, अब पीछे देख लो, एंड अब दाएं बाएं सब जगह देख लो। मुझे पूरी फ्रीडम मिली हुई है कि मैं कहाँ पे कौन सा फ्रेम रखना चाहता हूँ, एंड उसको मैं इजीली एक छोटे से सॉफ्टवेयर है इनका इंस्टा 360, उसके अंदर से प्रोसेस करके एक बढ़िया सा अपना पूरा वीडियो निकाल सकता हूँ। एंड इस पूरी फुटेज के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका इनविजिबल सेल्फी स्टिक। कैमरे के नीचे ना यहाँ पे स्क्रू माउंट दिया हुआ है, एंड सिंपली ये जो स्टिक है यहाँ पे इस तरीके से घूम के सेट हो जाती है, एंड इसके बाद आप सिर्फ शूट करो मस्ती से, ये पूरी की पूरी स्टिक गायब हो जाएगी आपके पूरे वीडियो में से। ₹1 की पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं लगती, कोई आपको यहाँ पे सेटिंग नहीं करनी पड़ती, बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ द कैमरा आपकी बिना स्टिक के ही वीडियो निकलती है, एंड ये बहुत ही माइंड बॉगलिंग है। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये कॉन्सेप्ट ना, बेसिकली आप कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि किधर आप आ रहे हो, फ्रेम में नहीं आ रहे हो, सिंपली आप अपना एंजॉय करो मोमेंट को, अपनी सेल्फी स्टिक बस ये रखो कि हाँ भाई अपने पास है, एंड पूरा का पूरा एज इट इज ये रिकॉर्ड कर लेता है। स्क्रीन के राइट साइड में ना हमको दो बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ पे एक पावर बटन है जो कि इसको फटाफट से स्लीप मोड में भी डाल देता है, एंड लॉन्ग प्रेस से इसको ऑफ भी कर देता है। दूसरा बटन है यहाँ पे क्विक एक्सेस का, इसको क्लिक करते ही ना यहाँ पे कुछ क्विक मेन्यू आ जाता है, प्री डिफाइंड मोड्स अपने सेट कर सकते हो फटाफट से जाने के लिए, बेसिकली 5-6 अलग अलग स्पीड डायल आप कह सकते हो अपने मोड्स के लिए, फटाफट से क्लिक करो एंड गुड टू गो। इन दोनों बटन्स के ऊपर यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाता है एंड एक माइक भी ना, एक नहीं 4-4 माइक्स हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा एंड ये चौथा। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर का तो माइक था, एंड इसके बाद नीचे यहाँ पे एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है जो इसको चार्ज करने के लिए हेल्प करता है, इसको कर देते हैं बंद, एंड इसके बाद यहाँ पर ये दो सॉकेट्स हैं, तो ये है इसकी बैटरी। फ्रंट स्क्रीन के नीचे ना यहाँ पे दो बटन मिल जाते हैं, पहला रिकॉर्ड का बटन कि भाई फटाफट से बटन दबाओ एंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए, अभी बैटरी लो हो गई है, एंड जो दूसरा बटन है ना ये बेसिकली टॉगल करने के लिए लगता है कि पहले फर्स्ट लेंस ले लो, देन सेकंड पीछे वाला लेंस ले लो, या फिर तीसरा 360 मोड पे आ जाओ। टोटल 4 बटन दिए हुए हैं, लेकिन चारों ही बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक यूज केस के लिए हैं, एंड डेली लाइफ में काफी ज्यादा प्रैक्टिकल लगे। वैसे ना ये मेरा पहला 360 कैमरा है लाइफ में, इससे पहले भी काफी सारे कैमरास आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन इस टाइम पे मेरे को ये लेना थोड़ा सा डिसेंट लगा क्योंकि काफी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च हुआ है। जैसे कि सेंसर का साइज बड़ा कर दिया है, व्हिच मींस बेटर क्वालिटी। क्वालिटी की बात से याद आया, 5.7K पे 30fps शूट कर लेता है, 4K में 120 एंड 1080p पे 240fps। थोड़े से सैंपल्स देख लो। अब आपको दिख रहा होगा कि अब जो फुटेज है ना, ये जो सैंपल मैं ले रहा हूँ 4K 60fps पे ले रहा हूँ, एंड जो क्वालिटी है अब पता चलेगी भाई, मैं तो पोस्ट प्रोसेसिंग में डाल के पता चलेगा कि कैसी क्वालिटी आ रही है, लेकिन ये ऐसे इतने डायनामिक शॉट्स हैं ना, ये एडिट करने में मुझे लग रहा है काफ़ी मज़ा आएगा। तो यार यहाँ पे ना इसकी टच स्क्रीन भी काफ़ी स्मूथ है, एंड यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये 5.7K में हमको कितने फ्रेम FPS पे शूट करना है, यहाँ पे 4K में, काफ़ी इंट्यूटिव है एंड ईजी टू यूज़ कहूँगा मैं। यहाँ पे जब हम इसको रिकॉर्डिंग का बटन दबा देते हैं तो जो लाइट्स हैं ना यहाँ पे दोनों तरफ अवेलेबल हैं, यहाँ एंड यहाँ,
एंड जितनी देर भी रिकॉर्डिंग चलती रहती है तो ये लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक करती रहती हैं, जिससे हमको पता चलता रहता है कि रिकॉर्डिंग ऑन है। अब इसको लेने से पहले ना मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि GoPro 11 लिया जाए, DJI का Osmo Action 3 लिया जाए। फाइनली मैं इसके साथ गया क्योंकि मुझे इसके अंदर बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल रहे हैं। कैसे दिखाता हूँ, यहाँ पे ना हमको एक 360 तो नॉर्मल मोड मिलता ही है, लेकिन उसके साथ में सिंगल लेंस मोड मिल जाता है, विच मीन्स कि हम इसको अब GoPro की तरह यूज कर सकते हैं। एंड चाहो तो आप वर्टिकल में शूट कर लो, अगर नहीं तो आप इसको नॉर्मल 16:9 के रेशो में भी शूट कर सकते हो। अब क्योंकि इस कैमरे में दो लेंस हैं तो दो ही फायदे हैं। पहला, अगर मैं रियर कैमरा से शूट कर रहा हूं तो यहां पे मुझे फ्रंट वाली स्क्रीन मिल रही है पूरी की पूरी, जिससे कि मुझे पता चल रहा है कि क्या एक्चुअल में रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहां पे फ्रंट पे सिलेक्ट कर लेता हूं, जो कि इस ये वाला लेंस एक्टिवेट हो जाएगा, तो अब मैं इसको नॉर्मल अपनी व्लॉगिंग के लिए भी यूज कर सकता हूं। अब मुझे अपने पूरे फ्रेम में पता चल रहा है कि क्या क्या फ्रेम में आ रहा है, एंड एग्जैक्टली मैं पूरे व्यू को एंजॉय कर सकता हूं। अब जब हम सिंगल लेंस मोड पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो यहां पे बहुत सारे FOV मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैक्स, एक्शन प्लस, अल्ट्रा प्लस, वाइड प्लस एंड लीनियर। अभी सिंगल लेंस मोड में मैंने फ्रंट वाला कैमरा मतलब सेल्फी वाला कैमरा ऑन कर लिया, एंड यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू आप देख सकते हो यार कितना ज़्यादा वाइड आ रहा है, बहुत बेहतरीन। अगर आप ब्लॉग के लिए इसको यूज़ करोगे तो मुझे लग रहा है काफ़ी सही लगेगा। अब ये क्वालिटी जो है वो अगेन 4K 30 FPS है। सिंगल लेंस मोड के अंदर मुझे 4K 60 नहीं दिख रहा है, 4K 30 दिख रहा है, एंड ये कुछ झमेला सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कुछ OTA वगैरह ये लोग डेफिनेटली देंगे। अभी प्रोडक्ट नया ही है, मार्केट में अच्छी तरीके से अवेलेबल भी नहीं है। Amazon पे भी ना कुछ ही स्टॉक्स, कुछ ही यूनिट्स अवेलेबल थे, मैंने ऑर्डर किया, उसके बाद से आउट ऑफ स्टॉक पड़ा हुआ है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि जो FOV है, फील्ड ऑफ व्यू जो है वो और ज़्यादा वाइड हो गया है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा वाइड अगर आपको चाहिए तो पॉसिबल तो है, लेकिन यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है ना वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। 2.7K पे 60 FPS आपको रिकॉर्ड करने देता है, इससे ऊपर आप 4K पे नहीं जा सकते। एक और काफी इंटरेस्टिंग फीचर है इसका मी मोड। इसको एक्टिवेट करते ही बस हमको इतना मेक श्योर करना होता है कि ये कैमरा जो है ना इस तरीके से हॉरिजॉन्टली हो, एंड इसके बाद मैं इसको चलता रहूं, ये मेक श्योर करेगा कि मैं कहीं पे भी कुछ भी कर रहा हूँ मैं पूरा का पूरा फ्रेम में रहूँ। अब इस वाली वीडियो पे स्विच करते हैं, देखते हैं, पता चलेगा कि कितना ये एक्चुअल में काम करता है। अभी के लिए मैंने ना इसको वर्टिकल मोड के अंदर सेट करा हुआ है, विच मीन्स के रील्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसको हॉरिजॉन्टल पे भी स्विच करके देखते हैं। स्विच करना इसको काफी आसान है, सिंपल सा यहाँ पे क्लिक पे 9:16 की जगह इसको 16:9 करेंगे एंड वी आर गुड टू गो। अब ये 16:9 का एक सैंपल आप देख रहे हो कि कैसे मैं हर टाइम पे फ्रेम पे रह रहा हूँ, एंड ये कैमरा ना मुझे बार बार चौंका रहा है कि भाई क्या क्या कर सकता हूँ मैं। 360 में आप नॉर्मल वीडियोस के अलावा 8K टाइम लैप्सेस भी ले सकते हो, एंड एक्टिव HDR में डायरेक्टली फ्रॉम द कैमरा भी शूट कर सकते हो। ये एक्टिव HDR में मैंने रिकॉर्ड करा है, देखते हैं कैसी आ रही है क्वालिटी, बाकी तो आप ही बताओगे। धूप बहुत है यार यहाँ पे इस टाइम पे, अच्छी खासी ना लाइट की बैलेंसिंग पता चल जाएगी। अब देखते हैं भाई कैसी आ रही है फुटेज, और ये मैं हवर करता हुआ, काफी तेज धूप है यार, 5.7K 30 FPS। ये वाली ना कुछ फोटोज हैं जो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ये बेसिकली यहाँ पे सिंगल लेंस मोड से मैंने क्लिक की थी, एंड इन फोटोज का रेजोल्यूशन 72 मेगापिक्सल का है। अब इनकी ना यहाँ पे Insta360 ऐप है जहाँ पे मैंने अपने कैमरा को कनेक्ट कर लिया है, सारी की सारी जो फुटेजेज हैं वो यहाँ पे एल्बम के अंदर आ जाती है जो हमने सारी रिकॉर्ड करी है, एंड हम ऑन द गो इनको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि एक ये फुटेज है, एंड अब आपको दिख रहा है, देखो जी ये पूरा 360 में इसको चेकआउट कर पा रहा हूँ। अब इस ऐप में ना काफ़ी ज़्यादा AI के फीचर्स ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, आप अपनी वीडियो को ड्रैग करो एंड ये AI की मदद से उनको बेस्ट रीफ्रेमिंग कर देगा, या फिर किसी पर्टिकुलर बंदे के ऊपर आपको अगर ट्रैकिंग करवानी हो कि वो हमेशा फ्रेम में रहे तो वो भी कर सकते हो। इवन फोन के जायरोस्कोप को यूज़ करके आप अपनी पूरी फुटेज को रीफ्रेम कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। ये वाला सीन अच्छा आया। अब ये कैमरा इस कंडीशन के अंदर फुल्ली वाटरप्रूफ है, मैं इसको ऐसे ही लेके अगर डाइव भी कर लेता हूँ मुझे इसके ऊपर कोई केसिंग लगाने की नीड नहीं है। कंपनी 33 फीट तक बोल रही है, लेकिन मैंने तो बाल्टी में ही टेस्ट आउट कर लिया, देख लो। जाले क्या हुआ? बोला था मेरे बाल। अब 360 कैमरा का एक फायदा भी है एंड एक नुकसान भी। फायदा ये कि तो हमारे अराउंड पूरा स्फीयर रिकॉर्ड हो रहा है, व्लॉग बना रहे हो तो आपको बार बार अपनी तरफ एडजस्ट करने की नीड नहीं पड़ती है, बाय डिफॉल्ट आप अपने फ्रेम में आ जाते हो। यहीं से हम दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं कि क्योंकि ये एक यूनिवर्सल स्फीयर रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे हमारा एडिटिंग टाइम पे एक एडिशनल स्टेप एड ऑन हो जाता है, जो कि होता है रीफ्रेम करना। फ्लैट वीडियो लेने के लिए हमको रीफ्रेमिंग करनी पड़ती है, कैमरे को बताना पड़ता है कि भाई अब यहाँ का सीन दिखा दे, अब यहाँ का दिखा दे, जिससे हम उसको अपने फाइनल वीडियो आउटपुट में ले पाए। अब ये तो हो गई भाई सारी की सारी
कैमरे की तारीफें, अब सिर्फ तारीफें ही सुननी है या असली सच भी सुनना है। पहली प्रॉब्लम मुझे इस कैमरे के साथ ये लगी कि जब हम इसको सिंगल लेंस के मोड पे यूज कर रहे हैं तो स्लाइट डिले आ रहा है, जो कि कैमरास में नहीं आना चाहिए। मैंने काफी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करके देखा लेकिन ये प्रॉब्लम अभी नहीं जा रही। पता नहीं कि आगे OTA से जाएगी या नहीं, एंड मैं एग्जैक्टली श्योर भी नहीं हूँ किस वजह से ये आ रही है। प्रॉब्लम नंबर 2, यहाँ पे क्या दिक्कत है ना कि इन कैमरास के अंदर कोई भी नाइट मोड वाली जितने भी फीचर्स दे रखे हैं ना वो ऑलमोस्ट यूजलेस से हैं। मतलब रात को 7 बजे के बाद इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाती है। लो लाइट की जो वीडियो क्वालिटी है एवरेज ही कहूंगा मैं, इसको कोई भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट जितने भी सारे एक्शन कैमरास होते हैं कोई भी लो लाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, एंड इसके साथ भी वही सीन है। मुझे लग रहा था शायद कि बड़ा सेंसर है तो अच्छी वीडियोस निकल के आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं निकला। प्रॉब्लम नंबर 3, यहाँ पे ये जो कैमरा है ना इसके जो लेंसेज हैं ये बाहर की तरफ प्रोट्रूडिंग है काफी ज्यादा हद तक। अब इससे होता क्या है कि मुझे टेबल पे इसको ऐसे रखने में डर लगता है बहुत ज्यादा। इसके लिए या तो अलग से लेंस गार्ड्स खरीदो या फिर इसके ऊपर एक कैप आती है वो लगा के रखो। ये फंक्शन GoPro एंड DJI Action 3 में काफी ज्यादा बेटर है कि उनके जो ये लेंस कैप्स हैं वो टोटली रिप्लेसेबल है, हम खुद भी उसको बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर स्क्रैच आ गया ना इन पे तो भाई लग जाएगी। 4th एंड लास्ट प्रॉब्लम, इसमें अभी के लिए 4K 60 ही इनेबल्ड है, 4K 120 डिस्प्लेड है हर जगह पे, कंपनी बोल भी रही है, लेकिन यहाँ पे सेटिंग्स में 4K 120 का ऑप्शन इनेबल्ड नहीं है। मे बी ये बहुत जल्दी OTA अपडेट से ये लोग डाल देंगे। फाइनली बात आ जाती है प्राइसिंग की, तो ये वाला जो कैमरा है ना इसकी प्राइसिंग 45,000 है। GoPro आ रहा था 51,000 का 11 वाला, एंड ये 45,000। अब प्राइस के हिसाब से मैंने तो रिव्यू के लिए मंगाया था एंड इसको मैं रिव्यू करके बेचने वाला था कम करके, लेकिन अब भाई दिवाली का टाइम आ रहा है तो एक छोटी सी ट्रिप में भी जा रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक ट्रिप पे लेके जाया जाए एंड इसको और ज़्यादा थोड़ा ना एक्सप्लोर किया जाए, उसके बाद देखेंगे भाई बेचना है कि नहीं बेचना। आप वैसे सच बात बताऊं तो भाई मज़ा तो आ रहा है इसको यूज़ करने में, एंड डेफिनेटली आपको भी आएगा अगर आप व्लॉग्स वगैरह बनाते हो ना या फिर अपनी फुटेजेस बनाने का शौक है, एक 360 कैमरा आपके पास होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अगर मैं इसको बेचूं तो आप इंटरेस्टेड हो गए या नहीं नीचे मुझे कमेंट करके बता देना, एंड ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे सकास्टिक, बोल सिया सिया भाई, मस्त चीज़ है, महंगी बोल रहे।